स्वागत है आपका गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में, जहां आपको बिहार के साथ साथ देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या, ये जानते हैं आज के बिहार की बड़ी खबरों को। ओवैसी ने तेल की कीमतों और कश्मीर में हुई टारगेट किलिंग पर केंद्र को घेरा। देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों और कश्मीर की टारगेट किलिंग पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र पर निशाना साधा है। हैदराबाद की एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने इस मामले में सीधे तौर पर PM नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि PM मोदी दो मुद्दों पर कभी नहीं बोलते हैं, पहला पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम और दूसरा लद्दाख में हमारी सीमा के अंदर मौजूद चीन की सेना पर। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हमारे नौजवान शहीद हो गए और 24 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान के साथ T20 मैच खेलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि देश में तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन PM साहब कहते हैं कि मित्रों चिंता मत करो। ओवैसी ने कहा कि जब पाकिस्तान ने पुलवामा हमला किया था तब PM ने कहा था कि घर में घुसकर मारेंगे, तब हमने भी कहा था कि घर में घुसकर माकूल जवाब दो, लेकिन अब चीन हमारे घर में घुसकर बैठा है और सरकार चुप है। प्रेमचंद का राजद पर भाजपा को फायदा पहुंचाने का आरोप, मनोज झा बोले जमीनी सियासत से दूर है कांग्रेस। बिहार में महागठबंधन तो पहले ही खंड-खंड हो चुका था, अब इनके बीच रण भी शुरू हो गया है। दो सीटों पर हो रहे उपचुनाव के बीच कांग्रेस ने राजद पर भाजपा को मदद पहुंचाने का गंभीर आरोप मढ़ा, तो राजद की ओर से भी कांग्रेस के इस आरोप का करारा जवाब दिया गया है। भाजपा JDU से मुकाबले के बदले और अब राजद और कांग्रेस के बीच का मुकाबला भी सियासी गलियारे को लेकर चाय की दुकान तक चर्चा में है। कांग्रेस और राजद के बीच यह रार मुख्य रूप से दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान सीट को लेकर है, जहां कांग्रेस पिछले 5 सालों से अपना उम्मीदवार देती आ रही है, लेकिन इस बार गठबंधन को किनारे कर राजद ने यहां से अपना उम्मीदवार उतार दिया है। इसी को लेकर कांग्रेस ने राजद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेसी नेता लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी पर चौतरफा हमला बोल रहे हैं। बिहार में कांग्रेस और RJD में तनातनी, भक्त चरण दास के वार पर मनोज झा का पलटवार। विधानसभा के 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव से पहले महागठबंधन में रार शुरू हो गया है। मतदान से पहले प्रत्याशी के सवाल पर राजद और कांग्रेस आमने सामने हो गई है। वार पलटवार का सिलसिला तेज हो गया है। वजह विधानसभा के तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट है, राजद यहां से अकेले चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस इससे नाराज है। कांग्रेस का कहना है कि कुशेश्वर स्थान उनका परंपरागत सीट है, वहां से राजद को उसे समर्थन करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब 30 अक्टूबर को चुनाव होना है। दोनों पार्टियों ने चुनाव प्रचार के ये अपना अपना उम्मीदवार भी उतार दिया है। इसके बाद दोनों ओर से वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो गया है। भाजपा नेता सम्राट चौधरी के भाई रोहित चौधरी ने थामा JDU का दामन, ललन सिंह ने दिलाई सदस्यता। NDA सरकार में भाजपा कोटे से मंत्री सम्राट चौधरी के भाई JDU में शामिल हो गए। मंगलवार को आयोजित मिलन समारोह में सम्राट चौधरी के छोटे भाई रोहित चौधरी ने जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया। JDU के पार्टी कार्यालय स्थित कपूरी ठाकुर सभागार में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की मौजूदगी में पूर्व मंत्री शकुन चौधरी के छोटे बेटे ने पार्टी की सदस्यता ली। रोहित चौधरी इससे पहले समता पार्टी में थे। इस मौके पर विजय चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद थे। पटना में आयोजित होने वाला क्षेत्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे अंडमान निकोबार समेत 8 राज्यों के प्रतिभागी। बिहार की राजधानी पटना में इंडिया स्किल 2021 क्षेत्रीय प्रतियोगिता की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस प्रतियोगिता का आयोजन पटना के गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में होगा। प्रतियोगिता का आयोजन 20 से लेकर 23 अक्टूबर तक किया जाएगा, जिसमें 8 राज्यों के 240 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। दिवाली पर मुंबई से पटना का हवाई किराया 9,000 के पार, दिल्ली का सामान्य से 2 गुना तो हैदराबाद का 2.5 गुना बढ़ा। दीपावली पर मुंबई से पटना आने का हवाई किराया 9,000, बेंगलुरु से आने का 7,000 और चेन्नई से आने का 10,000 के पार पहुंच गया है। वहीं कोलकाता से पटना का विमान किराया सामान्य से 4 गुना और लखनऊ से 3 गुना चल रहा है। वहीं दिल्ली का किराया सामान्य से 2 गुना और हैदराबाद का 2.5 गुना चल रहा है। विमान किराए में यह वृद्धि 30 अक्टूबर से कमोवेश छठ तक दिखाई देती है। चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों का हंगामा, दाल में मिला घोंघा, 2 छात्रों को हो गई वॉमिटिंग। पटना मीठापुर स्थित चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सोमवार की देर रात हंगामा किया। छात्रों ने रात के खाने में मिले दाल में घोंघा मिलने का आरोप लगाया। छात्रों का कहना था कि खाने की क्वालिटी खराब होने के कारण 3rd व 4th ईयर के 2 छात्रों को वॉमिटिंग हो गई।
उन्हें यूनिवर्सिटी डिस्पेंसरी से जो इंजेक्शन लगाई जा रही थी वह एक्सपायर थी। छात्रों के देखने के बाद इंजेक्शन नहीं लगाई गई। इसी घटना की जानकारी मिलने पर पटना सदर के SDM नवीन कुमार व पुलिस की टीम पहुंची और मामले को शांत कराया। आतंकी हमलों से डरे प्रवासी रोजी रोटी छोड़ लौट रहे घर। कश्मीर में 12 दिनों में 4 बिहारियों की हुई हत्या। जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय लोगों पर आतंकी हमलों के बीच कश्मीर घाटी में रह रहे प्रवासियों का पलायन तेज हो गया है। रविवार को कुलगाम जिले में बिहार के 2 श्रमिकों की हत्या के बाद घाटी छोड़ने वाले प्रवासियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। सोमवार को जब कश्मीर से टैक्सी व बसों का जम्मू पहुँचने का सिलसिला शुरू हुआ तो उनमें प्रवासी ही सबसे ज्यादा थे। जम्मू स्टेशन पर प्रवासियों की भीड़ देखने को मिली। सभी घर जाने वाली ट्रेनों को पकड़ने का इंतजार कर रहे थे। सीएम बोले, कश्मीर में बिहारियों पर हमलों के खिलाफ हो सख्त एक्शन। बिहार सरकार पीड़ित परिवार की करेगी पूरी मदद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर में बिहारी कामगारों पर लगातार हो रहे आतंकी हमलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि कश्मीर में कुछ लोग लगातार गड़बड़ी कर रहे हैं। वे बाहर से काम करने के लिए आए लोगों को ही निशाना बना रहे हैं। यह गरीब गुरबा तबका है और इनके साथ इस तरह की घटना के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। सीएम सोमवार को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। छठ पूजा की तैयारी तेज। 3 चरणों में होगी घाटों की सफाई। नगर आयुक्त ने जारी किया आदेश। छठ महापर्व पर व्रतियों की सुविधा के लिए गंगा किनारे के घाटों की 3 चरणों में सफाई होगी। निगम क्षेत्र सहित दानापुर नगर परिषद के घाटों को 23 सेक्टर में बांटकर 93 घाटों की सफाई होगी। दानापुर नगर परिषद में आने वाले 6 घाटों पर पदाधिकारियों की तैनाती दानापुर के अनुमंडल पदाधिकारी करेंगे, जबकि निगम अंचलों में पड़ने वाले 87 घाटों की सफाई के लिए निगम प्रशासन ने पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। घाट से 1 किलोमीटर तक के क्षेत्र को नो टॉलरेंस एरिया घोषित किया जाएगा। सोमवार को नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।